गुड मॉर्निंग क्लास नाइन्थ बच्चों, आज हम लोग अपना नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। थर्ड चैप्टर, चैप्टर का नाम है एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। अब सबसे पहला पॉइंट ये आता है कि एटम कैसे बोलेंगे। किसी भी एलिमेंट को, जैसे कार्बन ले लो, हाइड्रोजन ले लो, को जिस सिंबल से, जो स्मॉलेस्ट पार्ट होता है वो एटम होता है, और जिस सिंबल से हम रिप्रेजेंट करते हैं उसको बोलते हैं एलिमेंट। जैसे हाइड्रोजन एक एलिमेंट है और उसका सिंबल है H। H हाइड्रोजन का एटम है। कोई भी चीज किसी भी एलिमेंट का जो स्मॉलेस्ट पार्ट होता है उसको हम बोलेंगे एटम। ऐसे ही अगर हम कार्बन की बात करें तो ये सिंबल हो गया, कार्बन का सिंबल क्या हो गया, C। ऑक्सीजन का सिंबल O। नाइट्रोजन का सिंबल N। इस टाइप से हमको कुछ तो सिंबल से याद करने हैं बच्चों, कुछ सिंबल हमको लर्न करने हैं, और बाकी उनके एटॉमिक मास और ये सब लर्न करने हैं, वो मैं बताऊंगा कि उसको क्या बोलते हैं। ये तो हो गया एलिमेंट। अब मॉलिक्यूल क्या होता है? मॉलिक्यूल होता है कॉम्बिनेशन ऑफ टू या मोर एटम्स ऑफ सेम टाइप और डिफरेंट टाइप। जैसे हाइड्रोजन के दो एटम्स आपस में कंबाइन करके H2 बनाते हैं तो ये हो गया मॉलिक्यूल। अलग अलग भी हो सकते हैं, ये हो गया कार्बन डाइऑक्साइड। इसमें एक कार्बन है और दो ऑक्सीजन है, दो या दो से ज्यादा हो सकते हैं। O3 होता है ओजोन का सिंबल, ओजोन। एटोमिसिटी क्या होती है? किसी भी मॉलिक्यूल में जितने एटम्स होते हैं वो उसकी एटोमिसिटी होती है। जैसे हाइड्रोजन H2 तो इसकी एटोमिसिटी 2 हो गई, कार्बन डाइऑक्साइड में 3 एटम हैं तो इसकी 3 हो गई, ओजोन में 3 एटम्स हैं तो 3 हो गई। एटोमिसिटी 1 भी हो सकती है, 2 भी। जैसे नोबल गैसेस हैं, ये किसी से रिएक्ट नहीं करती हैं, ये इंडिविजुअली, जैसे हीलियम हो गया, नियॉन हो गया, अकेले लाई करती हैं। एक ही एटम अकेला ही होगा तो इसकी एटोमिसिटी 1 हो गई। ऑक्सीजन की O2 होता है, एटोमिसिटी 2 हो गई। किसी भी एलिमेंट की जो सबसे छोटी यूनिट होगी उसको एटम बोलेंगे, ठीक है। उस एलिमेंट को जिस सिंबल से रिप्रेजेंट करेंगे वो ये हैं जो कि हमको लर्न करने हैं। एक से ज़्यादा जब एटम्स आपस में कंबाइन करते हैं तब बन के आता है मॉलिक्यूल। वो एटम सेम टाइप के भी हो सकते हैं, जैसे दोनों ऑक्सीजन ने कंबाइन करा, या अलग अलग टाइप के भी हो सकते हैं। क्लियर? अब आता है एटॉमिक मास। हमको लर्न करना है हाइड्रोजन का 1 होता है, कार्बन का 12, ऑक्सीजन का 16, नाइट्रोजन का 14, क्लोरीन का 35.5, ब्रोमीन का 80, आयोडीन का 127। ये आपको वीडियो यहाँ रोक के बच्चों अपनी कॉपी पे नोट करना है। सल्फर का 32, फास्फोरस का 31। फिर आते हैं ये सोडियम, सिंबल है इसका, नाम है सोडियम का 23, मैग्नीशियम का 24, एल्यूमिनियम का 27, कैल्शियम का 40, पोटेशियम का 39। इतने आपको लर्न करने हैं। अब बात आती है मॉलिकुलर मास की। किसी भी मॉलिक्यूल के अंदर जितने भी एटम्स हैं उन सब के एटॉमिक मास को आप ऐड कर दोगे तो उसका मॉलिकुलर मास निकल के आ जाएगा। जैसे H2SO4 एक कंपाउंड है, सल्फ्यूरिक एसिड है, इसका मॉलिकुलर मास निकालना है तो इसको ब्रेक करेंगे बच्चों हम। दो हाइड्रोजन है इसमें, एक सल्फर है और 4 ऑक्सीजन है। अब आप यहां से देखिएगा हाइड्रोजन का एटॉमिक मास कितना है, 1, तो हाइड्रोजन की जगह 1 रख दीजिए। सल्फर का कितना है,
32, तो सल्फर की जगह 32 रख दी जी। ऑक्सीजन का चेक करो कितना है, 16। अब आप इसको ऐड कर दो, 2 + 32 + 64, ये आएगा 98। H2SO4 का मॉलिकुलर मास 98। ऐसे ही इनकी हेल्प से, ये आप नोट कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो आप तो भी आ जाएगा। अब जैसे मान लो हमसे कहा KNO3 का निकालो मॉलिकुलर मास, क्योंकि ये मॉलिक्यूल है तो मॉलिकुलर मास होगा। आप इसको ब्रेक करेंगे K+N+1O, K पोटेशियम का कितना है 39, नाइट्रोजन का कितना है 14, ऑक्सीजन का कितना है 16। अब 39 और 14 और ये 48 हो गया, ये हुआ 13 और 8 21, 5, 6 and 4 10, 101। देख लेना कैलकुलेशन में कोई मिस्टेक ना हो जाए, बच्चों मेरी मैथमेटिक्स थोड़ी सी वीक है। ठीक है, और देखिएगा, और मैं प्रैक्टिस करवा रहा हूं। हमसे कहा गया C6H12O6 इस कंपाउंड का, वैसे इस कंपाउंड का नाम है ग्लूकोज, की मॉलिकुलर मास निकालिए। आपने इसको ब्रेक करा, 6 कार्बन, 12 हाइड्रोजन, 6 ऑक्सीजन। कार्बन का 12 होता है, हमने यहां से वैल्यू पुट कर दी। हाइड्रोजन का 1 होता है, ऑक्सीजन का 16 होता है, सॉल्व करा तो ये वैल्यू आई 180, यानी इस कंपाउंड का मॉलिकुलर मास कितना हो गया 180। नेक्स्ट, हमने ये कंपाउंड ले लिया NH2CONH2, इसका निकालेंगे हम। अब यहां पे चेक करो कितने नाइट्रोजन है, 2 नाइट्रोजन है, हाइड्रोजन है 2 and 2 4, 1 कार्बन और 1 ऑक्सीजन, ट्वेंटी एट, ये हो गया 4, ये हो गया 12, ये हो गया 16। 60, इस कंपाउंड का मॉलिकुलर मास आ गया 60। और कंपाउंड ले लीजिए, हमने कंपाउंड ले लिया MgSO4, Mg का हो गया, पहले ब्रेक कर लो इसको, Mg का 24 है, देखिएगा, सल्फर का 32 और ऑक्सीजन का 16, 24, 32 और ये हो गया 64, इसको आप ऐड करो 120, यानी इस कंपाउंड का मॉलिकुलर मास हो गया 120। तो ये जितने भी हैं इतने से हमारा काम चल जाएगा 9th क्लास में, इनको आप नोट कर लीजिएगा, और इस 3-4 प्रैक्टिस करने के लिए मैं और दे रहा हूँ, उनके आप निकालेंगे तो ये आपको एटॉमिक मास लर्न हो जाएंगे, देख देख के ही निकालोगे स्टार्टिंग में, किस किस के निकालने हैं वो आप देखिएगा ये वीडियो देखने के बाद। जैसे MgSO4 का आपको निकालना है, आप निकाल लोगे इस वीडियो को देखने के बाद, और इसको एक अपने रफ कॉपी पे सॉल्व करके मेरे पर्सनल व्हाट्सएप नंबर पे आप भेजोगे, जिससे मुझे ये पता लगे कि आपने करे हैं। आज ही भेजना है वीडियो देखते ही, NH3, MgCO3, CaCO3, इन कंपाउंड्स के निकालने हैं, KNO2, HNO3, HCl, H2SO4, H3PO3, H3PO4, H2O, CO2,
इन कंपाउंड्स के आपको निकालने हैं। आप चाहे कहें तो मैं एक प्रैक्टिस और करवा देता हूं। सपोज कर लो हमने ये कंपाउंड ले लिया H3PO3, इसको आप ब्रेक करेंगे, 3 हाइड्रोजन हो रहे हैं, 1 फास्फोरस एटम है एंड 3 ऑक्सीजन। हाइड्रोजन का तो 1 होता है, फास्फोरस का 31 होता है, ऑक्सीजन का 16 होता है, तो ये हो गया 2 + 31 + 48, ये हो गया 33 + 48। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, 81 हो रहा है H3PO3 का, मैंने H3PO3 का निकाला। अब अगर बात होती कि H3PO4 का, तो इसमें यहां पे जो 3 ऑक्सीजन है इसकी जगह क्या आ जाएगा, 4 ऑक्सीजन। अब एक क्वेश्चन आता है परसेंटेज कंपोजिशन का, वो क्या क्वेश्चन होता है, क्वेश्चन ये होता है फाइंड परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ MgSO4। परसेंटेज कंपोजिशन का मतलब ये हुआ कि इस कंपाउंड में जो जो एलिमेंट है उनकी परसेंटेज निकालनी है कि उनका मास कितने परसेंट है। यानी इस कंपाउंड में हम परसेंटेज कंपोजिशन निकालेंगे मैग्नीशियम का, सल्फर का और ऑक्सीजन का। पहले आप क्या करोगे, इसका मॉलिकुलर मास निकालोगे, ब्रेक करिएगा Mg, S और O। Mg का 24, सल्फर का ये और ऑक्सीजन का 16 होता है, 24 + 32 + 64, इसको हमने ऐड करके देखा तो आया 120। अब हमने कहा परसेंटेज ऑफ मैग्नीशियम, तो मास ऑफ मैग्नीशियम अपॉन टोटल मास पूरे कंपाउंड का इनटू 100। अब इस कंपाउंड में मैग्नीशियम का मास है 24, टोटल मास है 120 इनटू 100। अब आप इसको सॉल्व कर लीजिए तो ये आया 20%। यानी इस कंपाउंड में मैग्नीशियम की परसेंटेज है 20। अब हम निकालना है परसेंटेज ऑफ सल्फर, सल्फर का मास मैं डायरेक्ट वैल्यू पुट कर रहा हूं, फार्मूला नहीं लिख रहा हूं, 32। टोटल मास 120 इंटू 100। परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन निकालेंगे तो ऑक्सीजन का मास हो रहा है बच्चों 64, 64 / 120 × 100, इसको आप सॉल्व कर लीजिए कितना आएगा। सॉल्व आप खुद कर लेना। तो ये हो गया परसेंटेज कंपोजिशन का फार्मूला कि हम कैसे परसेंटेज कंपोजिशन किसी भी कंपाउंड की निकालेंगे। थैंक यू।